जय सियाराम दोस्तों, मैं अंकुश बर्मन और आप लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों, मेरा जितना भी ड्राइंग मटेरियल्स है जिसको मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा उन सब मटेरियल्स को, तो हमें ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या, स्केच पेपर या फिर स्केच बुक। तो मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ पहले जो है, तो अभी मैं यही पेपर यूज़ कर रहा हूँ। तो आइवरी पेपर है, ये 210 GSM वाला पेपर है और इसी पेपर में ही जो अभी रिसेंटली आर्ट वर्क ड्रॉ कर रहा हूँ इसी पेपर में ही ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये A4 साइज़ में ही है। और इससे पहले जो मैंने आइवरी शीट का पेपर ख़रीदा था 400 GSM वाला A3 साइज़ में, तो उसको मैंने ख़रीदा था, पर उसमें जो है मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, कलर पेंसिल से ड्रॉ करता हूँ। तो उसमें जो है कलर पेंसिल से इस पेपर में अच्छा वर्क नहीं ड्रॉ किया जा सकता, बहुत प्रॉब्लम होती है। इसमें बेबी ऑयल भी एक ही जगह में जो है बहुत बेबी ऑयल सोख लेता है। तो इसमें जो भी मैं 2-3 आर्ट वर्क ड्रॉ किया था वो आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये दोनों स्केच मैंने इसी पेपर में ही ड्रॉ किया है। तो ये पेपर तो मेरा कोई अभी काम का नहीं है, तो अगर कोई इस पेपर को लेना चाहता है तो मुझे कमेंट में बता देना। और इस पेपर को मैंने ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट से ही खरीदा था, तो इसको खरीदा था 258 रुपीज़ में। टोटल यहाँ पे जो पेपर था 25 सीट्स, तो अभी यहाँ पे 20 सीट्स है। अगर कोई लेना चाहता है तो मैं इसे 140 रुपीज़ में ही आपके पास सेंड कर दूँगा। अगर आप चाहें तो लेना चाहें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस पेपर में तो अभी रिसेंटली जो ड्रॉ कर रहा था मैंने, ये तो स्केच भी है और रिसेंटली भी जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी है, तो साइड में रखते हैं। और बाकी जो मेरा ड्राइंग मटेरियल्स है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास तो ज़्यादा इतना मटेरियल्स नहीं है। मैं कम से कम मटेरियल से ही जो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, और मेरे पास इतना पैसे भी नहीं है कि मैं अच्छे अच्छे मटेरियल्स खरीदूँ और ड्रॉ करूँ। और मेरे कुछ पुराने ड्राइंग मटेरियल्स है वो भी आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर रखा था इस बैग के अंदर कुछ मटेरियल्स हैं, हमारा ड्राइंग मटेरियल्स बस इतना ही है। तो यहाँ पे जो ये है वाटर कलर, मैं तो बीच में कभी कभी मैं पेंटिंग भी करता हूँ तो इसी में करता हूँ। इसमें जो है मैंने अभी तक ज़्यादा यूज़ किया ही नहीं है, कलर्स जैसे का वैसे ही है। तो ये है कटर्स जिसको मैं पेंसिल को शार्प करने के लिए और हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और यह है फिक्सेटिव स्प्रे जो आर्टवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हमारा स्केच ख़राब ना हो जाए, तो इसके लिए आपको इसे अप्लाई करना है। अभी आप बिगिनर्स से तो अभी इतना ज़रूरत नहीं इसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्केच को। अभी जो मैं जितना भी रिसेंटली जो स्केच ड्रॉ करता हूँ उसमें किसी पेपर में भी मैं जो है फिक्सेटिव स्प्रे का अप्लाई नहीं करता हूँ। जब कोई कमीशन वर्क आता है तो उसमें ही मैं जो है इसका इस्तेमाल करता हूँ। और बाकी ये रहा कलर मैंने पुराने 10 रुपीज़ वाला। और ये सब है व्हाइट जेल पेन, इसे हम जो है ज्वेलरीज या फिर आंखों के जो हाइलाइटेड पार्ट होता है जहाँ भी, उसमें हम यूज़ करते हैं। तो इन सब का रिफिल जो है ख़त्म हो चुका है, अभी नया ख़रीदना होगा, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। तो ये है टोम्बो मोनो जीरो इरेजर और इलेक्ट्रिक इरेजर का रिफिल्स इसमें मैंने रखा है, तो इसका भी मैंने बहुत दिन पहले ही इसे ख़रीदा था। और ये तो है 8-लाइन ग्रेफाइट पेंसिल, इसका लगभग पेंसिल ख़त्म ही हो चुका है ख़रीदना होगा। और यह है मेरा इलेक्ट्रिक इरेजर, इसको भी इस हर एक जितना भी मटेरियल्स मैं यूज़ करता हूँ, लगभग मटेरियल्स का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे लगभग मैंने 1 साल पहले ख़रीदा था। तो यह है टोम्बो मोनो जीरो इरेजर, इसको मैं ज़्यादातर तो अभी यूज़ नहीं करता हूँ। पहले जब मैं ग्रेफाइट पेंसिल से ज़्यादा ड्रॉ करता था तब मैं इसका इस्तेमाल करता था। तो इसे हम रख देते हैं साइड में। और यह है मेरा कुछ ग्रेफाइट पेंसिल्स, अभी ख़त्म हो चुका है, चारकोल पेंसिल भी लेना होगा, इसे साइड में रखते हैं। और बाकी ये कॉटन ब्रश आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ब्रश भी है, कभी कभी जो पेंटिंग करने के लिए लगता है उसमें मैं यूज़ करता हूँ। और यह मेकअप ब्रश, इसको जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है इसमें ब्लेंडिंग करने के लिए। और बाकी ये बेबी ऑयल, इसको तो पता ही है मैं ज़्यादातर इसका ही इस्तेमाल करता हूँ कलर पेंसिल से ड्रॉ करने से पहले। तो इसको मैंने 65 या 62 रुपीज़ में आपको मिलेगी ना ऑफलाइन में ही। और यह है कुछ जो है कलरिंग स्केच पेंसिल, तो मैं बहुत पहले यूज़ करता था, अभी तो यूज़ नहीं करता हूँ, ऐसे ही पड़ा है। और मेरे पास कुछ ऑयल पेस्टल कलर भी है, अभी इतना ही है। स्टार्टिंग में जब मैंने ड्राइंग चैनल ओपन किया था तब मैंने इसे ख़रीदा था, तो इसका तो मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसे मैंने साइड में ही रख दिया था। और अभी जो मैं कलर पेंसिल यूज़ करता हूँ वो है डोम्स कलर पेंसिल। तो यहाँ पर पेंसिल्स ये रहा, ज़्यादातर तो ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसे आपको ऑफलाइन में ही मिल जाएगी मार्केट में आसानी से। और ये रहा मेरा कुछ यूट्यूब चैनल से अर्निंग नहीं हुआ है मेरा अभी तक। और इसका मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी जो है एक हैंड से 2 स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तब मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। काफ़ी आसान है इसे बनाने का तरीका, अभी कभी ट्राई करना तो ऐसा बना सकते हो।
तो यही था मेरा सस्ता ड्राइंग मटेरियल्स जो मैंने आप लोगों को दिखाया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो और आप लोगों के पास अगर कोई सवाल है तो मेरे लिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं जरूर पिक करूंगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सियाराम।